आप इंश्योरेंस वालों के पास एक घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे चौवन प्राण। एशिया कप में जीतने वाली महिला टीम को बधाई देते जैसा अंग्रेजी में अटके तो जबरदस्त टोल हो गए। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। द नेक्स्ट डे देश राम राज्य से ही चले। योगी आदित्यनाथ ऐसे अनपढ़ व्यक्ति है, somebody should tell योगी आदित्यनाथ to get you know his mental balance check। हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत करने वालों, उनको दूसरे हिस्से का शहरी मानने वालों, तुम्हें क्या पता हिंदुस्तान के मुसलमानों की आजादी में क्या किरदार रहा है। आइए मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में मुसलमानों का किरदार। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मीर अली ने दिया था, जय हिंद का नारा आबिद हसन साकरानी ने दिया था, अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था, मादरे वतन भारत की जान सीमुल्ला खान ने दिया था। शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बिस्मिल आजिम आबादी ने दिया था। जो तिरंगे के अंदर जो आप कलर देखते हैं, रंग देखते हैं, केसरिया सफेद हरा रंग, सुरैया तैयब ने इसको तैयार किया था। हिंदुस्तान के ध्वज को, हिंदुस्तान के झंडे को एक मुस्लिम औरत ने वो डिजाइन किया था। हिंदुस्तान से मोहब्बत का सर्टिफिकेट मुसलमानों से ना मांगो, बल्कि उनसे मांगो जो अंग्रेजों को माफी नामा लिख रहे थे। मुसलमान सर्टिफिकेट देता नहीं है, बल्कि वो खुद सर्टिफिकेट है। बात तो सही है, भारत लोकतंत्र है ये जरूर है। 1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत, 2014 के बाद में उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी बुढ़ापे में ये जोड़ी 98 में जो परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही थी। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा था। रुको जरा, सबर करो। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। वीडियो देखिए, ये वीडियो लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के भाषण की है। ओवैसी जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो भाजपा के वही गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिधूड़ी को उधेड़ कर रख दिया। सर इसको बिठाइए, ये जैकिंग का बॉक्स है, ये जैकिंग का बॉक्स है, बिठाइए इसको। दिल्ली में ऐसी मार पड़ी कि अब तक संभला नहीं है, ये चारों खाने ठीक हो गए, इसके समझ में नहीं आ रहा है, इसके बिठाइए सर, ये बिन ब्रेक का आदमी बिठाइए इसको, खाली पुकारता है, दिमाग में कुछ है ही नहीं, भगे जा रहे हैं, भगे जा रहा हूँ, चुनू में क्या क्या सर, इसीलिए मैं, अरे तो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, बैठो यार बैठो, अरे फट गई है उसकी। कैसी लगी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है, घोटालों की गारंटी। अच्छा, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। ठीक है, और मेरी गारंटी है हर घोटाले बाज पर कार्रवाई की गारंटी। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ यही मोदी की गारंटी है कि जिस पर बीजेपी ने 70,000 करोड़ के घोटालों के आरोप लगाए हों, उसे अपने पाले में बुलाकर उप मुख्यमंत्री बना दे। क्या मोदी की गारंटी का मतलब यही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी यही है कि आपने घोटाला करना था कर लिया, अब चुपचाप बीजेपी में आ जाइए। प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। मेरे परिवारजनों, कुछ ऐसे दल भी है, इन्होंने एक इंडी अलायंस बनाया है, इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो, उसे तबाह कर दो। इंडी गठबंधन के लोग सनातन को समाप्त करना चाहते हैं,
सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन एक सेकंड, जब एक हमारा प्राइम मिनिस्टर सिख था, जब एक हमारा प्रेसिडेंट मुसलमान था, मुस्लिम था, तब हिंदू खतरे के बीच नहीं था। और आज मोदी भी हिंदू है, अमित शाह भी हिंदू है, योगी भी हिंदू है, और आज हिंदू खतरे के बीच है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ लोगों को बहुत समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, मगर सब लोगों को सब समय के लिए भड़काया नहीं जा सकता, भरमाया नहीं जा सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वो जमाना है कि तुम आहिस्ता से सच बोलोगे तो कोई नहीं मानेगा, और जोर से झूठ बोलोगे तो सब मान लेंगे। बात तो सही है। आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में मैं राखी के लिए 250 रुपया अभी डालने का काम कर रहा हूँ, ताकि राखी ठीक से बन सके। मध्य प्रदेश में अब शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी के अच्छे दिन शायद समाप्त होने वाले हैं। यानी मामा जी के अच्छे दिन शायद समाप्त होने वाले हैं। मगर क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो दो धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल, और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। वोट भी तो तुम्हारी बहन और बिटिया है ना, उसको किसी को भी उठा कर दे देते हो। अरे भाई, ये वोट तो भरोसेमंद और ईमानदार को देना चाहिए, मगर आप लोग क्या करें? जिसने ज्यादा पैसे दिए उसे दे दिया। वोट तो ऐसे बांटते हो जैसे वोट सड़क पर मिलता है। कभी किसी दोस्त को दे दिया, कभी अपनी जात वाले को दे दिया, और कभी बेच दिया। अरे हम तो कहते हैं जो वोट बेचता है वो भी बेईमान है, जो वोट खरीदता है वो भी बेईमान है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।